तो इसका मतलब यह है कि बैक्टीरियन बोलता है कि अगर ये जो पहले 30 थे, पहले 50 थे, 30 हो गए, 6 हो गए, तो 6 तो अभी ओलिगोपोली है, कुछ लोग कंट्रोल कर रहे हैं अभी, तो वो डायरेक्शन में जहां जाता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि दो बड़े मीडिया हाउसेस वो कंट्रोल कर रहे हैं आपके पूरे मीडिया को, और एक दिन ऐसा भी आ सकता है, आएगा, क्योंकि मार्केट जो फ्रीडम के नाम पे जो मार्केट आया है, फ्रीडम तो सबसे बड़ी उदाहरण है जो लिबरल थॉट का, उस फ्रीडम के नाम पे जो मार्केट आया है वो मार्केट फ्रीडम फरेब है, झूठ है, मार्केट में कोई फ्रीडम नहीं है, जो छोटे छोटे जो लोग होते हैं, बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है और बड़ी कंपनी छोटे मछलियों को खा जाती है, कोई वहां पे कॉम्पिटिशन कुछ नहीं होता है, मर्जर होता है, एक्विजिशन चलता है, ये सब आप लोग जानते हैं, सबको वो अपने आप में हजम कर लेती है, तो एक ऐसा आ सकता है कि दो कंपनी डुओपोली और तीन कंपनी एक कंपनी अगर करे तो मोनोपोली। तो ये सिचुएशन अगर आप इंडिया में समझने की कोशिश करें, तो मैंने आपको जो डाइवर्सिटी की बात पहले तस्वीर दिखाई थी कि 1 लाख से ज्यादा, 850 से ज्यादा इंटरनेट लगातार यहां पर आ रहा है, तो उसमें भी क्या है कि अगर यहाँ देहरादून को अगर आप उठाएं, दिल्ली को अगर आप उठाएं, अगर यहाँ पे तुलनात्मक तौर पर देखें, मीडिया को स्टडी करने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि कई मीडिया हाउसेज छोटे बड़े अखबार साप्ताहिक ये सब निकल रहे हैं, और यहाँ पर भी दैनिक भी कई निकल रहे होंगे, टेलीविजन चैनल्स भी कई आ गए हैं यहाँ पर, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ ही जो कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज, जो मेन जो बड़ी कंपनी यहाँ पर है, वो पूरे मार्केट को, पूरे मीडिया को कंट्रोल कर रहे होते हैं, दैनिक जागरण, अमर उजाला, ये दो अखबार यहाँ पर अगर बड़े अखबार भी हैं तो ये पूरे यहाँ के लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। अब उसका जो मैनेजमेंट है, उसमें जो 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 चीजें वो इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ पर इंप्लीमेंट होती हैं, और इस तरह से क्या होगा कि धीरे धीरे जो आइडियाज की जो फ्रीडम है, जो डिफरेंट आइडियाज आने चाहिए, उसमें कुछ गिने चुने आइडिया आएंगे, मीडिया में सारी बातें नहीं आएंगी। अगर मीडिया में देहरादून में यहाँ की जनता के मुद्दों को लेकर अगर कोई बड़ी रैली हो रही है तो वो हो सकता है कि कवर नहीं हो, और अगर वहां पर कोई किसी नेता ने कुछ एक घटिया सा कोई बयान दे दिया, उसके अंदर क्या चल रहा है, उस बारे में आपको बड़ी बड़ी खबरें मिल जाएंगी, और मीडिया में जिस तरह से स्टोरीज को प्लांट किया जाता है, ये सब हम जानते हैं, जिस तरह से एजेंडा सेटिंग मीडिया के अंदर होती है, एजेंडा सेटिंग का मतलब कि पहले आपको मीडिया ये बताता है कि आपको सोचने के लिए विषय देता है, नॉन इश्यूज को इश्यू बना लेता है, उसके बाद फिर इश्यू जब आप उसको बना लेते हैं, फिर आपको बताता है कि फिर आपको उस पर कैसे सोचना है, तो ये जो एजेंडा सेटिंग होती है, वो एजेंडा सेटिंग हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में जो पावरफुल जो लोग होते हैं, जो पैसे वाले जो लोग होते हैं, वो लोग हमारे समाज में एजेंडा सेट कर रहे होते हैं। इस तरह से जो आइडियाज की जो डाइवर्सिटी है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, और कुछ डोमिनेंट आइडियाज हमारी सोसाइटी में जो होते हैं वही सब कुछ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे आप देखेंगे कि हिंदी मीडिया का इतना ज्यादा विकास हुआ है हाल के दौर में, अगर वेस्ट को आप स्टडी करें तो वहां की इंटरनेट पेनिट्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, और मीडिया कन्वर्जेंस वहां पर हो रहा है, और टेक्नोलॉजिकली भी हमसे आगे हैं, वो हर लिहाज से अगर इंडस्ट्री के हिसाब से देखें, तो डेवलपमेंट के हिसाब से देखें, तो हमसे काफी आगे हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि प्रिंट कम हो रहा है, टेलीविजन देखना वहां पर कम लोग कर रहे हैं, और हमारे यहां पर उल्टा हो रहा है, क्योंकि हमारे यहां पर वो दौर बहुत बाद में आया है, और जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस चल रही है, तो लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, मार्केट एक्सपेंड कर रहा है, तो एक बहुत हमारे यहाँ के जो मीडिया क्रिटिक है 79 ने जो हिंदू में पहले कॉलम लिखती थी, उनको भी पेड न्यूज की उस पर उन्होंने लिखा तो वो छापने से मना कर दिया, कोई कॉलम भी बंद कर दिया था उनको, उन्होंने बहुत ही मशहूर अपनी किताब लिखी है हेडलाइंस फ्रॉम हार्टलैंड रीइन्वेंटिंग हिंदी पब्लिक स्पीक, ये हिंदी मीडिया के बारे में बात करती है। उस बुक से भी मेरी असहमति है कि जब उसमें बोलते हैं कि मीडिया का विस्तार हो रहा है, दैनिक जागरण आज दुनिया का नंबर वन का अखबार है सर्कुलेशन के लिहाज से, ऐसा दुनिया में कोई अखबार नहीं है। दूसरा टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश का, जहां इंग्लिश बोली जाती है वहां उतना सर्कुलेशन नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया का दुनिया का इंग्लिश का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला सर्कुलेशन वाला अखबार है। तो ये जो बाढ़ सी आई है, एक मीडिया हाउस पूरे देश की मीडिया को कंट्रोल कर रहा है, एक मीडिया हाउस यूएस जैसी कैपिटलिस्ट कंट्री में भी, वहां पर नियम है कि आप वहां पर सारे पूरे यूएस में जो मीडिया है उसके लिए नियम है कि आप एक मीडिया हाउस है तो आप दूसरे स्टेट में जाके उसी नाम से आप मीडिया नहीं करेंगे, क्योंकि उससे एक तरह के विचार गढ़ने का खतरा हो जाएगा, वो लोग थोड़ा लोकतंत्र को बचाने की उस तरह से कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई बात ही नहीं है, हमारे यहाँ पर एक दैनिक भास्कर ने एक एडिशन निकाला राजस्थान से, राजस्थान के अलग अलग जिले से, फिर दूसरे जिले से, तीसरे जिले से दैनिक जागरण ने निकाला, अमर उजाला ने निकाला, जो हिंदी के अखबार है ये सारे अखबार फैल गए पूरे हिंदी भाषी क्षेत्रों में, अगर आप देखें फैल गए, और ये एक तरह के आइडियाज को इम्पोज कर रहे हैं, जो बहुत ही खतरनाक बात है लोकतंत्र के लिए, और मार्केट के दबाव में कर रहे हैं। 79 बोलती है कि रीइन्वेंटिंग हिंदी पब्लिक स्पेयर की जब बात करती है तो ये बोलती है कि इससे अखबार बढ़ने से ये हो रहा है कि जो हमारा पब्लिक स्पेयर था वो ज्यादा वाइब्रेंट हो रहा है। तो ये जो मीडिया लोकतंत्र और उसमें पब्लिक स्पेयर की जो भूमिका मैंने बताई, अगर उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये खतरे हमारे सामने हैं।
हाल के दौर में आप देखिए कि और क्या हो रहा है कि अगर स्टडी करने की कोशिश करें भारतीय मीडिया में, तो ये भी है कि पेड न्यूज का एक बड़ा फेनोमेनन हमारे सामने आया है। आप देखेंगे कि कोई ऐसा अखबार नहीं है, बड़ा अखबार, जहां पर पेड न्यूज नहीं छप रहा हो। और इसमें जब पेड न्यूज को लेकर, पेड न्यूज मतलब कि आप पैसा देके अपनी खबरें छपवा रहे हैं, बहुत सिंपल सी अगर उसको बात करें, और वो उसके बारे में जब ये खबर पूरी आई और लोगों में थोड़ा हलचल हुई, तो परंजय गुहा ठाकुर था जो ईपीडब्ल्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंग्लिश के आजकल रेडियो एडिटर है वो, और वो उनके एक वो और दूसरे के श्रीनिवास रेड्डी जो हैदराबाद के हैं, दो लोगों को लेके जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, जिसको टूथलेस टाइगर भी कई बार बोलते हैं, जिसके पास कोई क्वासी जुडिशियरी बॉडी बोलते हैं, उसके पास कोई बहुत ज्यादा राइट्स तरह से है नहीं, तो उसमें उन्होंने पेड न्यूज को लेके अपनी एक रिपोर्ट दी। 72 पेजेस की रिपोर्ट है, इंटरनेट पर अवेलेबल है, पहले नहीं थी, उस रिपोर्ट को दबा दिया गया था। और उसमें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, उसमें जो मालिकों का, पब्लिशर्स का, उनका जो प्रभुत्व है वो उसमें ज्यादा था, क्योंकि वो लोग ही डिसाइड कर रहे थे, क्योंकि पूरी कमेटी होती है। तो उन्होंने 72 पेजेस की रिपोर्ट उसमें बाहर नहीं आने दी। क्यों नहीं आने दी? देश का कोई अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया, उसका महाराष्ट्र टाइम्स, दैनिक जागरण, अमर उजाला, ये जितने सारे अखबार हैं, ये सब पेड न्यूज के दोषी पाए गए थे। बाय नेम सबका नाम लिख के उसमें बताया गया था कि ये लोग पेड न्यूज यहाँ पर फैला रहे हैं, ये लोग समाज पे ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं। उस रिपोर्ट को सामने नहीं आने दिया गया और उसको 36 पेजेस की रिपोर्ट बना दिया गया, जिसमें इन सारे मीडिया हाउसेस के नाम उससे गायब करवा दिए गए थे। तो बाद में जब समाज का एक दबाव पड़ा उनके ऊपर और वो लीक हो गई रिपोर्ट, सबके पास आगे, तब जाके मजबूरी में उनको उस रिपोर्ट को पब्लिश करना पड़ा। आपको बड़ी कमाल की इंटरेस्टिंग किस्सा मैं बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश का मामला है, जो मुरादाबाद से, जो यहाँ पर मुरादाबाद में जो एमपी जो थोड़ा डॉन टाइप का भी आदमी है, डीपी यादव पति हैं जिनके मैं बात कर रहा था उनकी, क्योंकि वो थोड़ा जेंडर वाला मामला भी है। उमलेश यादव जिनका नाम है, उनका रिश्ता मैं बता दूं कि हस्बैंड वाइफ है दोनों। उमलेश यादव एमएलए हुआ करती थी। उमलेश यादव को दोषी पाया गया कि उसने अमर उजाला और दैनिक जागरण में पैसा देकर खबरें छपवाई हैं। उसको दोषी पाया गया, उत्तर प्रदेश की विधानसभा से उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है, एक वो किसी भी तरह से जो भी होगा हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जिन अखबारों में पेड न्यूज छापा गया, उन अखबारों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब दिक्कत उसमें क्या है कि मेरे जो साथी पैनल में अभी यहां पर बैठे हुए हैं, इस तरह का माहौल बना दिया जाता है कि एक पत्रकार को तो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, फ्री माइंड हमारा होना चाहिए, और नॉलेज की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, कोई कैद खाने हमारे दिमागों में नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी की भावनाएं आहत हो जाएंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की जो पत्रकारिता हो गई है, पत्रकार जो लोग काम करते हैं, जितने दबाव में काम करते हैं, मालिकों के, मैनेजमेंट के, वो जो फ्रीडम है आइडियाज की, क्या जाएगा, क्या होएगा, क्या होना चाहिए, वो चीजें, वो फ्रीडम बिल्कुल कटेल कर दी, खत्म कर दी गई है। इसका रास्ता मैं कह के फिर अपने पैनलिस्ट को बुलाता हूँ बीच बीच में मैं आपके सामने, क्योंकि बहुत मैं ही नहीं बोलना चाहता हूँ। इसका रास्ता एक रास्ता मुझे ये लगता है कि भले ही जिस तरह की सिचुएशंस हमारे पूरे देश में आज हों, कुछ ही कंपनीज पूरा मीडिया को कंट्रोल कर रही हों, उनको पॉलिटिकल राजनीतिक प्रेशर भी मिल रहा हो, लेकिन विकल्प कई हैं, मैं अभी उस पर नहीं जाऊँगा। एक ये है कि पत्रकार लोग अगर यूनाइट हों, अगर बोले कि जो जर्नलिस्टिक वैल्यूज हैं हम उनके लिए काम करेंगे, और जर्नलिस्टिक वैल्यूज ये हैं कि आप किसी का पक्ष लिए बिना आप किसी को न्यूज प्लांट नहीं करवाएंगे, आप मालिक के हित में काम नहीं करेंगे, आप मैनेजमेंट के हित में काम नहीं करेंगे, आप जो जर्नलिस्टिक वैल्यूज हैं उनके लिए काम करेंगे, एसर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा माहौल बचाने की कर सकते हैं। किसी मीडिया हाउस में अगर आप बात करें तो आपको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा वहां से। तो उसका एक रास्ता ये है कि जर्नलिस्ट अगर यूनाइट हो पाए, मीडिया हाउस के भीतर भी अगर बोले कि अगर मालिक गलत करेगा, मैनेजमेंट गलत करेगा, तो हम ठप कर देंगे तुम्हारा चैनल, तुम्हारा अखबार हम ठप कर देंगे, और जब ये बात जब तक नहीं आएगी तब तक जर्नलिस्ट जो है स्पाइनलेस बन के घूमते रहेंगे, उनके पास वो कोई बात नहीं कर सकते हैं। और दिक्कत यह है कि कई तो जिनके पास पैसा है खुद ही एडिटर भी बन जा रहे हैं और पत्रकारिता के नाम पे पद्मश्री खुद ही झपट ले रहा, मालिक झपट ले रहा है, ऐसे कई किस्से हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, ये मैंने एक ग्राउंड तैयार किया है कि आप इस परिप्रेक्ष्य में मीडिया, बाजार और लोकतंत्र के रिश्तों को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर होगा कि किस तरह से दबाव हमारी पत्रकारिता पर आज पढ़ रहे हैं और क्या क्या इसके खतरे हैं। और समाज में जो लोग इस बात को सुन रहे हैं, अगर ये समझेंगे कि एक एग्जांपल देखिए मैं आगे बढ़ाता हूँ कि ये बोला जाता है कि आपके वहां पे डेमोक्रेसी में जैसे ग्लोरीफाई करते हैं उसको, तो उसमें ये बोला जाता है कि ये जो मीडिया है, खासतौर पर न्यूज मीडिया डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, ये बोला जाता है।
और आप सब लोगों ने सुना होगा, आप सब लोग मानते होंगे हाँ मीडिया तो बिल्कुल सही को सही गलत को गलत कहता है, और मीडिया नहीं होता तो चेक एंड बैलेंस नहीं होता, मीडिया को ये कर देता है वो कर देता है, कोई सेलेक्टिव जो चीजें होती वो करता है, तो मीडिया को इतना ग्लोरीफाई किया जाता है। तो पहली बात ये नंबर एक का सफेद झूठ है, इसको सबको समझना चाहिए, क्योंकि मीडिया की नंबर एक बात कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है, जो तीन जो पिलर सो कॉल्ड हैं उनमें उनकी जो है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, और उन पिलर्स की भी हालत देखिए तो कितना फ्रॉड है। टाटा जब राडिया टेप केस जो चल रहा था उसमें उसका फ्रॉड पूरा बाहर आया, किस तरह से कैबिनेट तक आपके देश की बना रहे हैं ये लोग कॉर्पोरेट लोग, जब ये बात बाहर आई तो टाटा के राडिया के साथ रिश्ते बाहर आए, कॉर्पोरेट्स के साथ रिश्ते बाहर आए, तो टाटा गया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट सीधे गया, उसने उस पर स्टे लेके आ गया कि मेरी इमेज खराब हो रही है, इसको नहीं आना चाहिए। एक गरीब आदमी पूरी जिंदगी अपनी लगा देता है और उसके बाद भी चप्पल घिसता रहता है, उसको जस्टिस नहीं मिलता, लेकिन कॉर्पोरेट्स एक दिन में वहां पर ये चीजें मिल जाती है।